आज अयोध्या दिवस है। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातः काल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी, सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है,